आधी रात इंडिया में दिवाली T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। 13 साल का ट्रॉफी का इंतजार खत्म। इंडिया में आधी रात दिवाली मन रही है। रोहित शर्मा की टीम ने वो सपना पूरा कर दिया जिसका 11 साल से पूरा होने का इंतजार था। साउथ अफ्रीका 177 का टारगेट आसानी से पूरा कर रही थी, लेकिन गेंदबाजों को ये मंजूर नहीं था। साउथ अफ्रीका के हाथों से जीत छीन ली T20 वर्ल्ड कप। इंडिया का है जीत का हीरो कोई एक नहीं, पूरी इंडियन टीम है। सूर्य कुमार का वो कैच तो शायद दशकों तक याद रखा जाएगा जिसकी बदौलत मिलर बलेबियन लौटे। बर्डोस से स्टेडियम में इंडिया ने पहले बैटिंग चुनी थी। पावर प्ले में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के विकेट गिर गए थे। कोहली ने 72 और अक्षर पटेल ने 47 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने तेज रफ्तार से 27 रन बनाकर स्कोर 176 तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज और एंड्रिक नौटेरिया ने 2-2 विकेट लिए। कासिको रबाडा और मार्को यानसन ने 1-1 विकेट लिया। जबारी पारी में साउथ अफ्रीकी T20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। हेनरिक क्लासन ने 27 बॉल पर 52 रन बनाए, जबकि डी कॉक ने 31 बॉल पर 39 रन की पारी खेली। ट्रिस्टन स्टब्स ने 21 बॉल पर 31 और मिलर ने 17 बॉल पर 21 रन का योगदान दिया।